अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिसर्च रैबिट। रिसर्च रैबिट एक एआई टूल है जिस पे हम एक ही जगह पे एज इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैक्सिमम डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही रिसर्च रैबिट आप लिखेंगे गूगल पे, तो आपको इस तरह की एक वेबसाइट जो है वो नज़र आ जाएगी। आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपने देखना है कि यहाँ पे अगर तो आपने अकाउंट बना लिया हुआ है, साइन अप कर लिया हुआ है, तो आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, अदरवाइज आपने साइन अप कर लेना है। तो मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है और नेक्स्ट विंडो जो है वो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि इसको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो विद ज़ोटेरो। उससे आपको साइटेशन ऐड करना आसान हो जाएंगी ड्यूरिंग द साइंटिफिक राइटिंग। वो आप मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं फॉर रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, सिस्टमेटिक मेटा एनालिसिस, या फिर वो आप थीसिस लिख रहे हैं, तो इन सब कामों में ये आपके लिए आसानी का बाइस बन जाएगा। इसके बाद आपने या तो इंपोर्ट करनी है कलेक्शन जो है अपने पेपर्स की ज़ोटेरो से, जैसे मैंने बताया कि हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है आप डायरेक्टली एक पेपर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विद टाइटल, विद DOI और कीवर्ड्स। तो अब सपोज मैं एक पेपर यहाँ पे इसको कहता हूँ, मैं इसको कुछ कीवर्ड्स दे देता हूँ कि मुझे इस पर जो है ना पेपर चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने कीवर्ड्स ऐड कर दिए, तो ये इसने हमें कुछ पेपर्स जो हैं वो सजेस्ट कर दिए हैं कि ये पेपर्स हैं आपके कीवर्ड्स से रिलेटेड। अब आपको कौन सा इंटरेस्टेड लग रहा है और आपने कौन सा जो है कलेक्शन में ऐड करना है। अगर आपको सब आपके रेलिवेंट फील्ड लग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये सारे मेरे बेनिफिशियल हैं, मुझे इन सबको देखना चाहिए, इन सबसे गो थ्रू होना है मैंने, तो आप सब जो है वो ऐड टू कलेक्शन कर सकते हैं। मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो एक ही ऐड टू कलेक्शन कर रहा हूँ। चलें जी ये वाला कर लेते हैं, ऐड टू कलेक्शन। जैसे ही ऐड टू कलेक्शन हो गया, इसको हम अब बंद कर सकते हैं अगर आपने फर्दर कलेक्शंस में ऐड नहीं करने। तो अब जब हमने यहाँ पे इसको कलेक्शन में ऐड कर लिया, तो ये हमें शो कर रहा है कि जी इस टोटल मैन्युस्क्रिप्ट में 31 रेफरेंसेज हैं, इस मैन्युस्क्रिप्ट की 37 साइटेशंस हैं, इस जिन ऑथर्स ने इस पर काम किया है उनके ये हैं, इसके अलावा कुछ और ऑथर्स काम कर रहे हैं वो ये हैं, सिमिलर वर्क्स 1137 पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं टोटल इस काम से रिलेटेड, और वो पूरा इसने इधर बना दिया हुआ है एक फ्लो चार्ट, एक स्केच बना दिया है कौन सी ईयर में किसने काम किया है, कब कब काम हुआ है, तो ये टोटल जो है इसने किया। अब जिन ऑथर्स ने इन पेपर्स पे काम किया है वो टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स जो हैं वो 384 हैं। तो इससे आप अपने रेलिवेंट फील्ड के बंदे भी सर्च आउट कर सकते हैं। और ये सारा इसने एक अगेन मैप बना दिया है, और ये यूनिवर्सिटीज़ के नेम और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। फर्दर सपोज के अब मैंने ये वाला पेपर देखना है, तो इसकी यहाँ पे हमें इजीली हम यहाँ पे इसको देख के इसकी शॉर्ट समरी और इसको हम अपने ज़ोटेरो में या अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, और फर्दर हम इसको इसी तरह से एक अलाइन में हम चल सकते हैं कि इससे हमें आसानी हो जाएगी पेपर फाइंड करने में, साइटेशंस ऐड करने में, पेपर रीडिंग में, और एट लास्ट के बेनिफिशियल है ओवरऑल कि हम एक ही फ्लो के साथ काम कर रहे हैं, ना कि हमें बार बार जो है वो डिफरेंट सोर्सेज पे जाके डिफरेंट पेपर्स फाइंड करने की ज़रूरत पड़ रही है। होपफुली ये आपको हेल्प करेगा इन योर साइंटिफिक वर्किंग। थैंक यू।